everyone, welcome to my channel Pri Dot Priya Beauty Secrets. I hope you all well. तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो. ये है बोरोलिन हैक्स और मैं इसका आपको रिव्यू देती हूँ कि ये क्रीम कैसी है और लास्ट में मेरा ओपिनियन. सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो. बोरोलिन हैक्स, सबसे पहले ये बोरोलिन है, बोरोलिन एसएक्स बहुत स्मॉल में लिखा हुआ है. ये बोरोलिन ब्रांड की है. इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 3 ईयर है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है. ये आप देख सकते हैं ये 3 ईयर की है इसमें और ये 40 ग्राम 60 रुपीज की आपको अवेलेबल होती है मार्केट में. ये एक सिलेंडर टाइप एक कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं. और इसका जो फॉर्म है ये काफी ज्यादा थिक होता है, आप देख सकते हैं इसका बहुत ज्यादा ये थिक होती है हमारी, बट ये एब्जॉर्ब होती है बहुत ज्यादा मसाज करने पर स्किन में. तो अब इसका जो क्लेम है कंपनी की, इस क्रीम का जो क्लेम है वो ये नाइट में स्किन को रिपेयर करती है, फटी हुई एड़ियों को स्मूथ बनाती है, हाथ और एल्बो को, कोहनियों को, ये ब्लैकेस जो भी ब्लैक एरिया हो जाता है कोहनियों का, ड्राई हो जाता है, उसको ये सॉफ्ट करती है. और ये जो हमारे लिप्स होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है और जो भी छोटे बहुत छोटे कट्स वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होती है. बोरोलिन फाइट जर्म्स, वर्क वंडर टू क्योर कट एंड वाउंड्स, जर्नल स्किन इन्फेक्शन एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रिचेस, बोरोलिन रिच फॉर्मूला. ये थे बोरोलिन के कुछ जो इसके बॉक्स के कॉन्टेंट्स हैं, जो इसमें लिखा है, जो इसकी कंपनी ने क्लेम किया है. हम इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं बोरोलिन को. फर्स्ट नंबर पे एज अ नाइट क्रीम हम इसको यूज कर सकते हैं. सेकंड नंबर पे हम लिपस्टिक, जैसे कि हम अगर मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं या कोई 24 आवर स्टे वाली या ज्यादा टाइम स्टे वाली कोई हमने लिपस्टिक लगाई है तो हम उस पर इसको जस्ट अप्लाई करके हम इससे बोरोलिन से उसको रिमूव कर सकते हैं. थोड़ी सी देर मसाज करेंगे उसके बाद वो आराम से रिमूव हो जाएगी. एल्बोज, अगर हमारी कोहनियाँ रफ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, खुरदरी हो रही है तो आप उसमें इसको लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए. और क्यूटिकल रिमूवर, हमारे ये आप देख सकते हो, ये मेरे इस वाले हाथ के फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक हैं बट जो मेरे इस वाले हाथ के फिंगर्स हैं ये नेल्स हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं जिसकी वजह से क्यूटिकल्स अपने आप कट जाते हैं. तो क्यूटिकल रिमूव करने के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है. आप अगर इस क्रीम को लगाते हो क्यूटिकल्स पे, मसाज करते हो तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी क्यूटिकल्स को रिमूव कर देगी. नेक्स्ट है हमारा अंडर आई क्रीम. अगर आपके डार्क सर्कल हैं, पफिनेस हो जाती है लेट नाइट सोने की वजह से, तो आप इसको एज अ अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हो. सो दैट आपको आपकी स्किन में रफनेस जरा सी भी नहीं होगी, ड्राई नहीं होंगी आपकी आईज का एरिया और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा ये. और उसके बाद है कि कोई भी छोटे बहुत कट लग जाते हैं या बाय चांस कभी खाना बनाते हुए या आईब्रोज जब आप बनवा के आते हो तो आईब्रोज के इधर या इधर कट लग जाते हैं तो आप इस क्रीम को लगा सकते हो. ये मैंने खुद अपनाया हुआ है किसी और के साथ मेरे घर में ही, 2 दिन में ये हार्डली 2 डेज में ये उसको हील कर देता है, उन कट्स को ये फिल कर देता है. ये बहुत अच्छी चीज़ है इस क्रीम की. ब्लैमिशेज वाले पीपल्स, जिस जिसके ब्लैमिशेज हैं वो अगर इसको रात को लगा के सोते हैं तो ये उस पर भी अपना असर दिखाता है, पर धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग जाता है उसको क्योर होने में. तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे कि आप बोरोलिन के थ्रू जो आप कर सकते हो अपने ऊपर ट्राई. और लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या है बोरोलिन के लिए. बोरोलिन बहुत अच्छा है. एक्चुअल में मैं बोरोलिन को फुट्स पे लगाती हूँ, हील्स पे अपने, और कभी कभार जब मेरे पास वैसलिन लिप बाम नहीं होता तो मैं बोरोलिन ही अप्लाई कर लेती हूँ किसी. बट बोरोलिन लिप्स पे अप्लाई करने के बाद अगर आप थोड़े टाइम बाद या मॉर्निंग में उठ के अपने लिप्स देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ वाइट कलर का लगा रखा है लिप्स पे. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा. एक इसी का वो वाइट बेस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है तो मुझे मेरा वैसलीन ही बहुत अच्छा लगता है लिप्स के लिए, बट हील्स के लिए ये बहुत अच्छा है. तो हील्स और कट्स के लिए मैं कह सकती हूँ बोरोलिन इज़ बेस्ट फॉर हील्स एंड कट्स. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि बोरोलिन किस टाइप की क्रीम है, इसका रिव्यू दिया है और लास्ट में मैंने आपको बताया है
कि इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे आखिरी में मैंने आपको दिया है अपना ओपिनियन, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।